तो स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन्स। एमीन्स बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं? तो एमीन्स देखिए अपन बनाएंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अब इसको हिंदी में भी एल्किल हैलाइड ही बोलते हैं, एल्किल हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइड से देखिए सबसे पहले अपन जो है एमीन बना रहे हैं, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है हमारी बाय अमोनियोलाइसिस, हाफमान मेथड बोल दीजिए, अमोनियोलाइसिस हाफमान मेथड, ये हिंदी में लिख देता हूं मैं, हाफमान विधि, ठीक है। यानी अमोनिया के साथ में, जैसे ये शब्द हमें बता रहा है कि अमोनियोलाइसिस मतलब अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवानी है, किसकी? एल्किल हैलाइड की। तो ये अमोनिया होता है क्या? NH3। तो यहां पे अपन ने ले लिया NH3, ये NH3 है, रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड RX। तो यहां से देखिए ये निकल जाएगा आपका HX, देन आपका क्या बन गया RNH2, ये 1 डिग्री एमीन बन गया, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। अब अगर इसमें फिर से अगेन रिएक्शन कर रहे हैं एल्किल हैलाइड की इसकी, तो देखिए RNH2 प्लस XR, तो यहां से निकल जाएगा क्या HX, R आके जुड़ जाएगा, यानी RNHR, ये बन गया आपका 2 डिग्री एमीन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन फिर से एल्किल हैलाइड से करवा दें, तो RNHR XR, यानी कि RX एल्किल हैलाइड, तो ये निकल जाएगा यहां से, देन आपका ये बन जाएगा RNRR, ये आपका हो गया 3 डिग्री एमीन, ठीक है। अगर इस 3 डिग्री एमीन को भी हम आगे कंटिन्यू करें एल्किल हैलाइड के साथ में, ये फिर से एल्किल हैलाइड से करवा दें, तो अब निकलने के लिए हाइड्रोजन तो है नहीं, सो ये बन जाएगा आपका R4, ये अपना लोन पेयर देगा, हाइड्रोजन नहीं है निकलने के लिए इसलिए जुड़ेगा कहां से, लोन पेयर से, इसलिए इस पे पॉजिटिव, और ये जो भी आया एक्स इस पे आ जाएगा आपका नेगेटिव। ये क्वार्टनरी सोल्ट है, क्वार्टनरी सोल्ट है, ठीक है कि नहीं? क्वार्टनरी इसलिए क्योंकि चार इसमें एल्किल ग्रुप है, अगर इसका नाम नंबर लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं टेट्रा एल्किल हैलाइड एमीन है, ये टेट्रा एल्किल हैलाइड एमीन सॉल्ट, ठीक है कि नहीं? अब हिंदी में भी यही है भैया, टेट्रा एल्किल हैलाइड लवण, हैलाइड एमीन लवण, ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी फ्रॉम एल्किल हैलाइड से, हाफमान मेथड था ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसी का फ्रॉम एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में सेकेंड जो है वो अपन लेंगे गैब्रिल थैलामाइड रिएक्शन, हिंदी में भैया यही बोलेंगे गैब्रिल थैलामाइड
थैलीमाइड अभिक्रिया। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमने ये ले लिया बेंजीन रिंग के सी डबल बॉन्ड ओ, यहां सी डबल बॉन्ड ओ और एन एंड एच। सबसे पहले इसका जो रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक के ओ एच के साथ में करवाएंगे प्लस अल्कोहलिक के ओ एच, जिसको मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, अल्कोहलिक के ओ एच है। देन यहां से एच टू निकल जाएगा, ये एच टू निकल गया तो के आके जुड़ जाएगा। तो जब के आके यहां पे जुड़ेगा तो ये आ जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एन के, ठीक है। पोटेशियम थैलामाइड है ये, इसका नाम है पोटेशियम थैलामाइड, पोटेशियम थैलामाइड। अब इस पोटेशियम नेक्स्ट क्या करते हैं, पोटेशियम थैलामाइड की जो रिएक्शन है एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। तो देखिए यहां पे मैं करवा देता हूं, यहां करवा देता हूं, ये ले लेता हूं एरो नीचे की तरफ, एल्किल हैलाइड से इसकी रिएक्शन करवाई आर एक्स से। तो आप यहां से यहां देखिए ये निकल जाएगा के एक्स और ये आर यहां पर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N R, ठीक है। अब कंटिन्यू इसकी रिएक्शन जो है अपन करवाएंगे, यही करवा देते हैं, यहां लिख लेते हैं अपन, यू यहां लिख लेता हूं, यू उधर लिख दूंगा। वाटर मॉलिक्यूल से इसकी रिएक्शन करवाई अपन ने प्लस एच ओ एच एच ओ एच, प्रेजेंस इसमें होती है डाइल्यूट HCl की, तो ये निकल जाएगा यहां से एल्किल एमीन। देखो ये एल्किल एमीन निकल गया आर एन एच टू, आर एन एच टू ये बन गया एल्किल एमीन, और बाकी ये OH और ये OH यहां जाके जुड़ जाएगा, ये OH जुड़ेगा इस बॉन्ड पे, ये जो बॉन्ड फ्री हुआ, और ये OH जुड़ेगा इस बॉन्ड पे, ये OH फ्री हुआ, तो ये बन जाएगा क्या, टैलिक एसिड सी डबल ओ एच, यहां पे भी सी डबल ओ एच, ठीक है कि नहीं। तो ये थैलिक एसिड बन गया थैलिक अम्ल, हमें चाहिए था ये एल्किल एमीन, ये वन डिग्री एमीन बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये एल्किल हैलाइड से जो है अपन ने फॉर्मेशन किया है एल्किल का, एमीन का। नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है साइनाइड और आइसोसाइनाइड के अपचेन से, यानी कि रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड का जो रिडक्शन करेंगे अपन, उससे अपन किस प्रकार से एल्किल एमीन बनाएंगे वो देखिए आप। सबसे पहले साइनाइड ले लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन में, तो इसमें साइनाइड में अपन ने ले लिया एल्किल साइनाइड आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये साइनाइड है, एल्किल साइनाइड है। रिडक्शन करेंगे इसमें एच टू, दो मॉलिक्यूल एच टू लेंगे, तो यहां अपन ने ले लिया, यहां लिख देता हूं एक तो मैं एच टू और एक यहां लिख दिया एच टू, ठीक है कि नहीं। प्रजेंसी, प्रजेंसी देखो इसमें जो रिडक्शन एजेंट है अपचायक जो पदार्थ है वो आप ले सकते हो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड या फिर सोडियम और एथेनॉल का मिश्रण, इनमें से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, नीचे वाला ये आ गया, ऊपर वाला पाई बॉन्ड ये, तो एक ये बॉन्ड ब्रेक, ये क्लियर, यहां पे एक एच, यहां पे एक एच, चार एच में से एक यहां एक यहां,
तो ये बन गया आर सी एच टू एन एच टू, 1 डिग्री अमीन बन गया ये, ठीक है। तो एल्किल साइनाइड का अपन ने अपचयन करवाया इन अपचायक पदार्थों की उपस्थिति में किसी भी एक के साथ, एक की उपस्थिति में, तो प्राइमरी एमीन बना। रिडक्शन किया एल्किल साइनाइड का रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंसी में, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हुआ। आइसोसाइनाइड के लिए देखिए, आइसोसाइनाइड में क्या होगा, ये आइसोसाइनाइड है, डबल बॉन्ड सी और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसमें भी वही चार हाइड्रोजन ले लेंगे, एच एच एंड एच एच, प्रेजेंसी सेम है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, एक तो लोन पेयर के रूप में वापस नाइट्रोजन पे आ जाएगा इस तरीके से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो वापस आ गया, पाई बॉन्ड ये वाला ब्रेक हुआ, तो यहां यहां तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, देन यहां पे चार हाइड्रोजन है तो यहां चार बॉन्ड फ्री हो गए ना, ये एक यहां एक यहां एक यहां पे और एक यहां पे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका आर एन एच सी एच थ्री 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन बन गया ये, ठीक है कि नहीं, 2 डिग्री एमीन बन गया, ऐसे लिख दो, बात एक ही है। तो जब आइसोसाइनाइड लेते हैं उसका रिडक्शन करवाते हैं तो 2 डिग्री एमीन बनता है, साइनाइड लेते हैं तो 1 डिग्री एमीन बनता है, ठीक है कि नहीं। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में अगर अपन ये ले निकल, पैलेडियम और या फिर प्लेटिनम, तब इसको बोलते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन, मैं यहां लिख देता हूं, देन इसको बोला जाता है कैटालाइटिक रिडक्शन, हिंदी में हो जाएगा उत्प्रेरकी अपचयन। और अगर प्रजेंसी ये ले नीचे, सोडियम या एथेनॉल का मिश्रण, सोडियम और एथेनॉल का मिश्रण ले, अगर ये ले प्रजेंसी, तब इन रिएक्शन को बोला जाता है मेंडियस रिएक्शन, अर्थात मेंडियस अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान दें आप, मैंने कहा कि जब ये प्रेजेंसी लेंगे तो उसको बोलेंगे उत्प्रेर की अपचयन यानी कैटालाइटिक रिडक्शन, और अगर सोडियम और एथेनॉल ले, सोडियम और एथेनॉल का मिक्सर लेंगे तब उसको मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं, इसी रिएक्शन को मेंडियस बोलेंगे अगर ये प्रेजेंसी लेते हैं तो, और ये प्रेजेंसी लेते हैं तो कैटालाइटिक रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है फ्रोम एमाइड, हेलो बच्चो, नेक्स्ट है हमारा एमाइड, थर्ड रिएक्शन है एमाइड से अपन किस प्रकार से एल्किल एमाइड बना सकते हैं, एल्किल एमीन बना सकते हैं। देखिए एमाइड हो गया, अपन ने ये एमाइड ले लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ग्रुप जो है आपका एमाइड होता है, ठीक है। इसका अपन ने क्या कराना है, इसका अपन को रिडक्शन करवाना है, वही हाइड्रोजन के साथ में रिडक्शन करवाएंगे अपन इसका। तो यहां पर देखिए आप प्लस, चार हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये चार हाइड्रोजन अपन ले लेते हैं, ये लीजिए प्रेजेंसी सेम अभी जो ऊपर ली थी ना अपन ने दूसरी रिएक्शन में, निकल पैलेडियम या पीटी ले लो या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो या फिर आप ये ले सकते हो सोडियम और एथेनॉल का मिक्सर डाल देंगे, ठीक है कि नहीं। तो अब यहां से देखो, ये तो निकल गया वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया, देन यहां पे दो बॉन्ड फ्री हुए एक नहीं हुए, ये NH2 एक H यहां पे आ गया, एक H यहां पे आ गया, तो बन गया ना। देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, कंफ्यूजन ना हो, आर सी एच टू एन एच टू 1 डिग्री एमीन बन गया, ठीक है, ये 1 डिग्री एमीन बन गया रिडक्शन करने पर। अगली बार समझ में, तो इस तरीके से भी एल्किल एमीन अपन बना सकते हैं। अगली जो रिएक्शन है, इंपोर्टेंट रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं आपको, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देखिए,
इंपोर्टेंट रिएक्शन है देखिए, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। अब इस रिएक्शन ये कौन सा है, अभी ये जो एमाइड वाला फॉर्म एमाइड का बी पार्ट है, ये ए पार्ट अभी बताया मैंने आपको, ये बी पार्ट है। इसके अंदर देखिए क्या होगा, तो देखिए इस रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एमाइड है, मैं पहले तो रिएक्शन बता देता हूं क्या है, फिर इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा, तब आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। रिएक्शन है ये एमाइड, अपन ने लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई बी आर टू से, एंड चार मोलिक्यूल चार अणु जो है अपन ने लिए सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है कि नहीं, फोर के ओ एच अल्कोहलिक के ओ एच है, गर्म करेंगे इसको, देन ये बनाएगा आर एन एच टू एल्केलेमीन प्लस टू के बी आर प्लस के टू सी ओ थ्री पोटेशियम कार्बोनेट प्लस टू एच टू ओ, ये रिएक्शन अपनी। अब इसका मैकेनिज्म देखो, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या है इसमें हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में। तो फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म मींस की क्रिया विधि, मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि, तो देखिए फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में ये जो ब्रोमीन है बी आर के दो दो परमाणु दो एटम है, अब यहां पे चार के ओ एच है ना, इसमें से मैं दो के ओ एच ले रहा हूं ओनली, यहां पे दो के ओ एच फर्स्ट स्टेप में दो के ओ एच ही काम आते हैं, टू के ओ एच अलग अलग लिख दिया, तो इसमें देखिए एक तो निकल जाएगा ये के बी आर, ये निकल गया के बी आर प्लस एक यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये निकल गया एच टू ओ प्लस, बच क्या गया, ध्यान दे देखो बचा क्या है, के ओ बी आर बचा है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में जो है क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो एमाइड है ये लेंगे, एमाइड रिएक्शन करेगा इस इंटरमीडिएट कंपाउंड से, ये ले लिया अपन ने एमाइड NH2 और ये इससे रिएक्शन करेगा, तो ये यहां से देखिए H2O निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां से ये KBr निकल जाएगा, तो यहां लोन पेयर बच जाएगा, एक लोन पेयर इस पे ऑलरेडी है, दो 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 इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गए R C डबल बॉन्ड O N, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड कटने बॉन्ड टूटने से ये फ्री हो गए। अब ये कंपाउंड ये जो बना है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड नाइट्रीन है, नाइट्रीन ठीक है कि नहीं। अब ये नाइट्रीन जो है थर्ड स्टेप में रीअरेंजमेंट हो जाता है इसका, ये अनस्टेबल है तो ये रीअरेंजमेंट हो जाता है, जल्दी चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से, ये नाइट्रोजन यहां आ जाता है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट मतलब पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास, तो क्या होगा ये नाइट्रोजन यहां पे आ गया, तो इट मींस आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, ये नाइट्रोजन यहां आ जाएगा ना, तो ये बन गया मेटिल आइसोसाइनेट है, इसका नाम है मेथिल आइसो साइनेट, हिंदी में भी यही बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनेट। अब फोर्थ स्टेप में ये जो मेथिल आइसोसाइनेट है आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये रिएक्शन करेगा, मैंने देखो यहां पे दो ही KOH लिए थे, चार KOH थे, मैंने ये यूज ले लिया, मैंने ये भी यूज ले लिया, अभी इसमें से दो लिए थे मैंने, यहां पे दो बच गए तो वो लूंगा मैं, KOH KOH
तो देखो यहां से निकल जाएगा आपका ये ऐसे कैसे K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस यहां पे ये दो बॉन्ड फ्री हुए, ये दो H आके जुड़ जाएंगे तो RNH2 बन गया एमीन, 1 डिग्री एमीन बन गया ये। ये इसका मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है ये। एक चीज इसमें आपको देखो देखने को मिली होगी कि एमाइड में जितने कार्बन होंगे ना उतना एक कार्बन इसमें कम हो जाएगा। एमाइड में जैसे मान लीजिए यहां पे 5 कार्बन होंगे तो आप यहां पे 4 कार्बन का एमीन मिलेगा आपको, क्योंकि एक कार्बन ये CO3 के साथ में चला गया ना, यहां पे काम आ गया ना कार्बोनेट में। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रिपरेशन मेथड्स।